नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो, मैं सचिन हूँ और आप सभी के सामने एक शानदार अभी पेपर लेके आने वाला हूँ, जो 18 जनवरी 2024 के दिन। अब ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही ज़रूरी है, पहली बात सुनिएगा, क्योंकि देखो नवोदय विद्यालय, ये देखो सबसे पहले यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं, प्रवेश परीक्षा कक्षा छठवीं के बारे में, ठीक है, न्यू एडिशन 2025 के बारे में। 18 जनवरी 2025 को ये जो पेपर है वो होने वाला है। देखो बच्चों, जैसे ये पिन है, ये पिन, ठीक है, अब इस पिन को अपन इस तरीके से खोलते हैं, खुल जा सिम, और अपन इस प्रकार से इसको लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूचर स्पिन का, मतलब एक कंफर्ट जोन हो गया, मतलब जैसे अगर अपन इसको, अगर ये नहीं खुल सकती हो तो ये पिन किसी काम की नहीं है, लेकिन ये खुल के बंद हो रही है, इसका मतलब ये इसका जीवन है, ये इसका जीवन काल है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपका जीवन क्या है, आपका जीवन है जवाहर नवोदय विद्यालय। देखो, अगर इस स्कूल में पढ़ने के हज़ारों फायदे हैं, अगर इसमें आपका बच्चे का एडमिशन हो गया या आपका एडमिशन हो गया तो यहाँ पर पढ़ने के कहने का मतलब हज़ारों फायदे हैं, कोई दिक्कत वाली आने वाली बात नहीं है, बहुत ही बेहतरीन स्कूल है, बहुत ही शानदार स्कूल है, ठीक है। चलिए, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक ऐसा शानदार पेपर बताने वाला हूँ जिससे कि सारे के सारे क्वेश्चन उसी पेपर में से आने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पेपर शानदार एक ऐसा पेपर है जिसमें से सारे क्वेश्चन आपको इसी पेपर में से देखने के लिए मिलेंगे, तो आप कंप्लीट इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। देखो, मैं आपको ये पूरा 100% पेपर पहले बता देता हूं, दो मिनट में, किस प्रकार का पेपर है 2025 का, ये 18 जनवरी का पेपर, ये कहां का पेपर है साथियों, 18 जनवरी 2025 की जो परीक्षा आयोजित होगी उसका पेपर है 18 जनवरी का। मैं यहां पे लिख देता हूं 18 JANUARY जनवरी 2025, ठीक है, एकदम रियलिस्टिक पेपर है साथियों, 100% रियलिस्टिक पेपर है, सटीक पेपर है, यहां पर आप सभी देख सकते हो ये, ठीक है, बिल्कुल ये। अब इनमें सबके उत्तर भी हमने यहाँ पर नोट किए हुए हैं, यानी सबके उत्तर भी आपको हम बताएंगे, विद आंसर की हम आपको इसको फुल सॉल्यूशन बताएंगे इस पूरे पेपर का। तो आप इस वीडियो पे हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा। ये देखो, हर एक प्रश्न को हम अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बात यह है कि अगर आपका कोई बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखने का बहुत ज़रूरी है। देखो, ये पूरा पेपर बता देता हूँ एक बार, उसके बाद अपन आगे की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, एक मिनट को। ये देखो, ये पूरा पेपर है। अब मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि मेरे कहने का मतलब ये नंबर वन पेपर है 452101 का, यानी यही पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है, और ये हमको इसलिए छिपाना पड़े यहाँ पे 2025 लिखा होता, क्योंकि हमें थोड़ा सरकार का भी निवेदन मानना पड़ता है, मतलब हमको भी पुलिस के से डर लगता है, क्योंकि ये रियलिस्टिक पेपर है, लीक पेपर है, तो अगर यहाँ पर कोई देख लेता पुलिस वाला तो हमारी समस्या हो जाती है, तो ये समस्या देख सकते हो। ये रियलिस्टिक पेपर है जो आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, हमने ये पेपर 2 लाख रुपये में खरीदा था, कितने पैसों में खरीदा साथियों, 2 लाख रुपये में ये पेपर हमने खरीदा, लेकिन आपको एकदम फ्री में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको करना क्या है, ये 20 मिनट का ये वीडियो होगा, खाली इस वीडियो को पूरा देखना है और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, और आपको रियलिस्टिक पेपर, देखो इस प्रकार के आपको सामने आपको पेपर दिया होगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने रोल नंबर डालना है यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से रोल नंबर डालना है, फिर आपको परीक्षार्थी का नाम लिखना है, जैसे आपका नाम है कैलाश चंद्र गुर्जर, तो आपको ये लिखना है कैलाश चंद्र गुर्जर, ठीक है, फिर यहाँ पर हस्ताक्षर करना है, ये आपका हस्ताक्षर है, यहाँ पर आपको ये साइन कर देने हैं, ठीक है, मैं क्लीन कर देता हूँ एक मिनट ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। उसके बाद समय आपको 2 घंटे रहने वाला है, समय 2 घंटे, अधिकतम मार्क्स 100, यानी मैक्सिमम मार्क्स आप 100 में से 100 ला सकते हो, यानी 100 नंबर का ये पेपर होगा। परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश, ये सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि भाई आपको जो OMR शीट है उस पर इस प्रकार से भरना है, पूरा गोला करना है, इस प्रकार से क्रॉस या इस प्रकार से राइट करोगे तो उसको आपको आंसर नहीं गिना जाएगा, वो गलत ही गिना जाएगा, अगर आप सही भी लिख के आओगे तो वो नहीं गिना जाएगा, आपको गोला करना है तभी उसको राइट आंसर गिना जाएगा। अब देखो, मानसिक योग्यता परीक्षण के 50 अंक है, ठीक है, और 40 प्रश्न आएंगे, उसके बाद अंकगणित परीक्षण के 20 प्रश्न हैं और 25 नंबर के हैं, भाषा परीक्षण के यहाँ पर 20 प्रश्न हैं, 25 नंबर के हैं, टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 80 और नंबर होंगे 100। मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला पेपर यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला पेपर मैं इसको मोड़ देता हूँ ताकि आपको हर एक प्रश्न अच्छे से देखने के लिए मिले, इसको मैंने मोड़ दिया, देखो ये पेपर, उसके बाद पूरा पेपर एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और इसका लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसका PDF आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो। जी सर, तो आप लास्ट में इसका मैं आपको बता दूंगा कि इसका आप PDF किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो, तो A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा खंड 1, ठीक है, खंड 1 यहाँ पर आ जाता है मानसिक योग्यता परीक्षण का भाग 1, असंगत आकृति। अपने को सबसे पहले क्या चुननी है, इसमें से असंगत आकृति चुननी है, ठीक है, इस पेपर में से। तो आपको क्या है कि लास्ट में मैं आपको इस पूरे पेपर का PDF बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, मतलब एंड तक यानी एंड तक देखना है, ठीक है। सबसे पहले अपने को असंगत आकृति ढूंढनी है इसमें से, तो असंगत आकृति अपन कैसे ढूंढेंगे, देखो ये त्रिभुज है, देखो इसमें से ये दोनों बाहर है, ठीक है,
और इसमें एक अंदर एक बाहर है, एक अंदर एक बाहर है, एक अंदर एक बाहर है, ये चारों में से असंगत कौन सी हो रही है साथियों? ये ए वाली असंगत हो रही है। कैसे असंगत हो रही है? क्योंकि इसमें दोनों ही ये गोले जो है बाहर है, ठीक है, इसमें यानी एक भी गोला ऐसा नहीं है कि अंदर है, दोनों ही गोले इसमें बाहर है। अब बात करी जाए दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरे क्वेश्चन में देखो ये सी इस प्रकार से बना हुआ, ये सी इस प्रकार से, ये सी इस प्रकार से, और ये उल्टा सी बना हुआ है, तो डी वाला यहाँ पर अलग है इसमें। तीसरे की बात की जाए तो तीसरे में ये ए वाला अलग है, ठीक है, चौथे की बात की जाए तो चौथे में ये बी वाला अलग दिखाई दे रहा है अपने को, ठीक है। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चनों के बारे में। सबसे पहले अपने को क्या करना है कि ये जो आपको निर्देश है ना, ये निर्देश अच्छे से शांतिपूर्वक आपको ये पढ़ना है। निर्देश अच्छे से पढ़ोगे तो ये हर एक क्वेश्चन का अपन अच्छे से सोल्यूशन आप कर पाओगे। चलिए पढ़िए। प्रश्न के 5 से 8 दही और एक पंचचित्र दिया गया है, दही और चीनी तो 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से पंचचित्र के समरूप चित्र को चुने, यानी अपने को इसमें से समरूप चित्र अपने को चुनना है, यानी सेम टू सेम, और कुछ नहीं करना है, इसमें से सेम टू सेम चित्र ये चारों में से राइट लिख के अपने को वो जो OMR शीट है यहाँ पर गोला कर देना है, ठीक है। OMR शीट कैसे भरा जाता है मैं आपको वीडियो बना के लेके आ जाऊंगा, ये इसी प्रकार से। देखो प्रश्न नंबर 5 है, इसका सेम टू सेम कौन सा है साथियों? ये है, तो यहां पर इसके नीचे अपने को गोला कर देना है। फिर छठे क्वेश्चन की बात किया जाए, इसमें सेम टू सेम कौन सा है, तो इसमें सेम टू सेम साथियों ये सी वाला है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये सी वाला सेम टू सेम है, तो इसमें आपको गोला कर देना है। सातवें क्वेश्चन की बात की जाए तो सातवें क्वेश्चन में ये बी वाला जो है ये बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसको मैं गोला कर देता हूं। गोला अच्छे से नहीं हुआ तो अपने को गोला अच्छे से कर देना है। ये इस प्रकार से या तो आप बॉल पेन ले सकते हो या फिर ब्लैक पेन ले सकते हो, ठीक है। और कोई पेरेंट्स अगर अभिभावक ये वीडियो को देख रहा है तो उनके बच्चों को ये वीडियो बताना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। फिर आठवें क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आठवें में ये जो सी वाला है इसको अपने को गोला कर देना है। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में, जैसे कि अपन आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाग नंबर सी, भाग नंबर 3 के बारे में। भाग नंबर 3 में क्या है साथियों? निर्देश 9 से 12 भाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दही और दिए गए चित्र, यानी मतलब ये चार भाग है, इसमें से एक भाग क्वेश्चन मार्क में दिया गया है, जैसे ये क्वेश्चन मार्क है, 11वें में क्वेश्चन मार्क है, 12वें में ये क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन बात यह है कि आप समझने की कोशिश करो तो मेरी बातों को आप समझ पाओगे, यानी आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों। आप हर एक प्रश्न को अच्छे से समझोगे तो मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी में आनंद आ जाएगा, लेकिन क्या है ना कि मेरी बातों को मानना और समझना आपके हाथों में है। अब जैसे ये 9वां क्वेश्चन है साथियों, तो इसमें क्वेश्चन मार्क कौन सा? ये बी वाला, तो बी वाला एकदम परफेक्टली राइट हो जाएगा इस प्रकार से। 10वें की बात की जाए तो 10वें में ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पे ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 11वें में ये ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये जो गोला है, देखो ये तीन गोले इधर बन जाएंगे, जैसे मैं बना के बताता हूं, 1 2 3 ये तीन गोले बन गए, उसके बाद अपने को ये कर देना है, ये ये अपन ने कर दिया, ठीक है, शानदार तरीके से ये गोला बन गया। तो बस यही है कि अपने को इसमें से मतलब ऐसा कौन सा गोला सेट करे कि इसका मतलब माप बन जाए। अरे यार इतने तो मूर्ख आप भी नहीं हो कि इतना आपका दिमाग ना चले, इतना तो आप में भी दिमाग है कि यार इसकी सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर रखनी है। बिल्कुल ही पागल हो तो यार गधे बैठ जाओ, फॉर्म ही मत भरो ना, वो देखा, इतना तो समझ में आपको आना चाहिए ना कि भाई इतना सा खाली आपको अपने को फॉर्म भरना है और इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये चीज़ तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में। आगे वाले क्वेश्चंस की बात की जाए 12वें क्वेश्चन में देखो कौन सा है, ए वाला। अपने को क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क में ए वाला बना है। कैसे बना है देखो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर इसको लाइन को यहाँ पर लेना है, फिर इस लाइन को ऐसा लेना है, फिर अपने को ये क्रॉस ये लाइन कर देना है, फिर अपने को ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है, फिर अपने को ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है, तो ये क्या हो गया, क्रॉस लाइन हो गया, ये देखो ये बस। तो ये परफेक्ट रूप से इस प्रकार से अपने को बनाना है। ये 12 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चनों के बारे में। 13 से भाग नंबर 4 है साथियों, निर्देश पढ़ लेते हैं। हर एक प्रश्न में निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, निर्देश नहीं पढ़ के आओगे बाट लग जाएगी, निर्देश पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, इस बात का आप जो है ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 से 16 में भाई और तीन प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है, स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दही और उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें, जिस प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके उसके उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट पर उतर गए। अब अपने को क्या करना है, जैसे इसको ऐसे जोड़ना है, देखो जैसे 2 2 4, ठीक है, 2 का डबल किया तो इधर 4 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 का डबल किया 4 हुआ, 4 का डबल 8, आगे अपन मान लो 8 रखते हैं तो 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस प्रकार से समरूप आपने को आंसर देना है। मान लेते हैं ये हो गया 7, 7 का अपन ने 14 कर दिया, इधर अपन ने लिख दिया 14, 14 का अपन ने 28 कर दिया, अपन इधर 28 लिख दिया तो 28 का 56 हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे ये दो तीरे ऊपर जा रही है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये दो तीरे जो है यहाँ पर ऊपर जा रही है, आप समझ पा रहे होंगे, ये दो तीरे ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रही है, फिर ये नीचे आ रही है, ये ऊपर जा रही है, तो ये कहाँ से होगी, ये वापस इस तरफ से नीचे आएगी, देखो ये इस तरीके से नीचे आएगी, 1 2, ठीक है,
टुड़ुक टुड़ुक ये नीचे आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी वाला एकदम परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 14 क्वेश्चन की बातें हमें, तो 14 क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले ये आधा चंद्रमा है, फिर उसके बाद इस प्रकार से चंद्रमा, खड़ा चंद्रमा बना, मतलब ऐसे सोया हुआ चंद्रमा, फिर खड़ा चंद्रमा, फिर से सोया हुआ चंद्रमा, तो इस प्रकार से वापस ये थोड़ा गड़बड़ है, ये इसमें सी राइट आंसर नहीं होगा, इसमें बी वाला राइट आंसर होगा साथियों, क्योंकि इधर से ये खड़ा चंद्रमा बना तो इधर से ये वाला खड़ा चंद्रमा बनेगा, इसका उल्टा नहीं बनेगा, देखो ये चंद्रमा बनेगा, उसके बाद ये करके ये ऐसा चंद्रमा बनने वाला है। इसको मैं गोल गोल कर देता हूँ, जैसे एक मिनट है ना, इसको मैं घुमा देता हूँ, घुमा रहा हूँ आपकी आंखों के सामने, आप देख पा रहे होंगे, घुमा रहा हूँ ये घूम गया, ठीक है, मतलब पहले इस ऐसा चंद्रमा बना, फिर खड़ा चंद्रमा बना, फिर ऐसा चंद्रमा बना, तो फिर से खड़ा चंद्रमा बनेगा, तो इसका राइट आंसर ये बी वाला हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये बी वाला बनेगा, ये बी वाले को अपने को इस प्रकार से गोला कर देना है, ठीक है, ये गोला कर देना है, कोई नहीं, अगर ऐसा गलत हो जाए तो आप ऐसा कर सकते हो, थोड़ा बहुत तो वो टीचर भी समझेंगे, मानेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ए ई हुआ तो आई का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, कैसे, ए बी सी डी ई, ठीक है, तो आई का क्या हो जाएगा, आई ओ, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये राइट आंसर ये ए वाला हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला, देखो सबसे पहले बड़ा गोला था, फिर ऐसा गोला हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो फिर इसका और छूट जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है, मतलब सबसे पहले बड़ा गोला था, फिर आधा चंद्रमा, सब पहले मतलब ऐसा पूरा चंद्रमा था, फिर आधा चंद्रमा हुआ, फिर ऐसा चंद्रमा हुआ, फिर ऐसा चंद्रमा बन जाएगा, ये बात हो गई। 16 क्वेश्चन कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं अपन 17वें क्वेश्चन के बारे में, 17वां क्वेश्चन भाग नंबर 5, ध्यान रखिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्या कर दो, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब देखो एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम जो भी न्यू वीडियो बनाएंगे तो आपके नवोदय कोचिंग में, इससे फायदा क्या है सब्सक्राइब करने से, फायदा यह है कि बच्चों ये जो नवोदय कोचिंग है, नवोदय कोचिंग जो मैं नवोदय के रिलेटेड आपको मैं पढ़ाई करा रहा हूँ मुफ्त में, फ्री में मैं आपको पढ़ाई करा रहा हूँ, तो फायदा ये कि ये वीडियो आपको चला जाता रहे, और हमें ये फायदा है कि आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो YouTube कंपनी हमें कुछ कुछ पैसा हमें देती रहेगी, तो हमारा घर परिवार भी चलता रहेगा, हमारा भी खर्चा निकलता रहेगा, और आप अगर नवोदय में हमसे अच्छी पढ़ाई करके अगर आपका एडमिशन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो इससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं हो सकती। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। अब बात करते हैं भाग नंबर 5 के बारे में, निर्देश पढ़ लेना है अपने को, हर एक का निर्देश पढ़ना आवश्यक है, अगर निर्देश नहीं पढ़ते हैं तो अपने को सवाल समझ में नहीं आएगा कि सर इस क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या गया है, खाली चित्र देख के, बहुत सारे बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट है कि खाली चित्र देख के ही पता लगा देते हैं, क्योंकि मैं आपको इतने वीडियोस बताऊंगा, मैं इतना आपको इतने वीडियोस और इतने पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा बच्चों कि आप ऐसा एक ऐसा टाइम आएगा जब परीक्षा 18 जनवरी होगी ना, जब जनवरी का महीना आएगा ना, तब आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे कि खाली क्वेश्चन को देख के ही आप इसका आंसर पता लगोगे, सर ये आंसर है, इन चारों में से ये आंसर है, ठीक है भाई, ये आंसर आप दूर से देख लोगे सर ये आंसर है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपको ध्यान से विवेक, देखो जितना ज़्यादा आप होशियार हो उससे ज़्यादा डेढ़ गुना, मतलब आपसे 1000 गुना होशियार हम हैं, तो हमारी बातें आप माना करो, हम गुरु हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, तो बात यह है कि आपको डेढ़ होशियारी वहां पे जाकर नहीं करनी है, यानी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अपने दिमाग को शांत रखना है, विवेक से हर एक प्रश्न का उत्तर देना है, विवेक से हर एक प्रश्न का जवाब देना है, क्योंकि नवोदय में बार बार मौका नहीं मिलता, बात को ध्यान रखना, खाली छठी में मिलता है और फिर नवीं में मिलता है, तो नवीं में जो मौका मिलता है उसके चक्कर में दूसरे मौकों को नहीं गंवाना, इस चीज का ध्यान रखना। देखो निर्देश, इसलिए फिर भी अपने को निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है, खाली चित्र देख के गलती हो सकती है लेकिन निर्देश देख के गलती नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। सुनिएगा, मैं पहले जब छोटी मतलब छठी कक्षा में था, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नवोदय में भी गलत किए थे, जहाँ पर ऐसा क्वेश्चन था कि भाई नहीं है, वहाँ पर मैं प्रिय भाई जैसे कि फूल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची नहीं है, और मैं कमल का पर्यायवाची जो है उन सवालों के जवाब लिख के आ गया था। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में 1 प्रश्न चित्र क्वेश्चन मार्क है, ठीक है प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में 1 निश्चित संबंध है, मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं तरीके से एक निश्चित उनका संबंध है, एक जुड़ाव है, जैसे मेरा ये लेफ्ट हैंड है, ये मेरा मतलब बाया हाथ है, और ये मेरा जिमणा हाथ है यानी दाया हाथ है, अब इन दोनों को मैं मिला देता हूँ तो इस दोनों हाथों में कोई ना कोई एक निश्चित संबंध है, मतलब इसमें भी 5 अंगुलियां है, इसमें भी 5 अंगुलियां है, तो कोई ना कोई निश्चित संबंध है, और सबसे बड़ी बात कि ये दोनों मेरे ही हाथ है, ठीक है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के 3रे और 4थे प्रश्न चित्र में होना आवश्यक है, ठीक है, यानी इन दोनों में जो संबंध है वो इन दोनों मतलब यहाँ पे भी संबंध होना चाहिए, जैसे देखो ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, देखो कभी भी अगर संबंध समझ में नहीं आया तो लाइनों को देख के संबंध को प्रकट कर दिया करो। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये संबंध बन जाएगा, ठीक है, इसके अलावा दूसरा कोई संबंध यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो सबसे करीबी जो इसका संबंध बनने वाला है वो ए वाला ही बनने वाला है। अब बात करते हैं 18वें क्वेश्चन में, देखो ये आधा भरा था फिर उसके बाद पूरा भर गया,
ये आधा भरा था, तो इसके बाद ये क्या भर जाएगा बच्चों, पूरा भर जाएगा। तो इसमें आगे वाले दो में जो संबंध था वही संबंध अपने को इसमें भी प्रकट कराना है, तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों 19वां क्वेश्चन। ये गोला था, यहाँ पर क्रॉस क्रॉस गोला हो गया, ये गोला था उसके बाद ये क्रॉस क्रॉस गोला हो गया, तो इसमें भी यहाँ पर भी वाला ये राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 20वें क्वेश्चन में। 20वें क्वेश्चन में देखो ये पिन हुआ 1 2 1 2 1 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भी 1 2, इधर 1 2 से ये उधर 1 2 बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 21वें क्वेश्चन से। ये 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा भाग नंबर 6। चलिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या करना है कि भाई इस लाइन में मतलब अपने को जो बॉक्स है ना वो खाली दिया जाता है, तो इस बॉक्स को अपने को कंप्लीट बनना है, निर्देश में भी यही लिखा गया है, तो इस बॉक्स को अपन कंप्लीट भर देते हैं। ये बी है तो अपन चलो इस बॉक्स को कैसा ऐसा बनेगा अगर ये बॉक्स तो ये कंप्लीट भर दिया जाएगा, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात की जाए तो ये बॉक्स बनाना है, तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, ये करना होगा, फिर उसके बाद ये लाइन को ये क्रॉस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये ऐसे घुमाना पड़ेगा, ये घुमाना पड़ेगा, ये घुमाना पड़ेगा, तो ये मतलब कंप्लीट काम हो जाएगा। फिर 23वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 23वें क्वेश्चन में इस प्रकार से गोला बनाना है, ये गोला बन गया, उसके बाद ये लाइन खींच ली और ये लाइन को गोला करके डन कर देना है, तो ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी ए में। अब 24वें क्वेश्चन की बात की जाए तो ये कंप्लीट अपने को ये भरना है, ये करके ये भर के ये भर देना है, ये पन्नी बना देनी, तो ये राइट आंसर ये हो जाएगा 24वें में, ठीक है। अब बात करते हैं 25वें क्वेश्चन से। 25वें क्वेश्चन में क्या है साथियों, ये प्रश्न पहले अच्छे से पढ़ना है। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदेश रख जाने पर प्रश्न चित्र को सही दर्पण प्रतिबिंब को, यानी अपने को क्या करना है कि अगर इसको कांच में दिखाते हैं, जैसे ये बुक लिखा हुआ है, जैसे मैं मेरा हाथ को अगर मैं कांच में दिखूंगा तो ये हमेशा उल्टा प्रतिबिंब दिखता है, हमेशा उल्टा ही अपने को शो करता है, तभी अपने को दिखाई देता है, ठीक है। तो अपने को बुक को अगर ओपन करेंगे तो के उधर आ जाएगा और बी उधर आ जाएगा, तो इसका बी वाला ये ए वाला सही हो जाएगा। फिर ये तिरंगा है तो तिरंगा पूरा उल्टा हो जाएगा, तो ये सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। फिर बात की जाए 27वें क्वेश्चन में, घड़ी का निशान है, घड़ी उल्टी हो जाएगी, ये बी हो जाएगा, जो ऊपर है घड़ी वो नीचे हो जाएगी, सीधी सी बात है। 28वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 28वें में ये जो इधर है वो उधर हो जाएंगे, तो 28वें में ये सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में 29 से। ये आगे ये है देखो, ये कागज के टुकड़े को खोलने पर वे जिस प्रकार से दिखेगा वैसा चित्र उत्तर चित्र में चुने, ये कागज का टुकड़ा किस प्रकार से दिखेगा वो चित्र अपने को चुनना है। जैसे ये आयताकार है, फिर इस प्रकार से घुमाए, फिर इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, एक मिनट। जैसे आपको एक कागज का टुकड़ा लेना है, कागज का टुकड़ा मैं ले लेता हूँ, एक मिनट मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक मेरी कॉपी है दूसरी, ठीक है, इसमें से अपन एक कागज का टुकड़ा ले लेते हैं, ये एक कागज का टुकड़ा, मैं फाड़ूंगा नहीं क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं एक पत्ते की, एक पेज की, मैं एक हल्के सी चीज़ की भी एक उसका वैल्यू जो है मैं समझता हूँ, ठीक है। चलिए अपने को इस कागज के टुकड़े को मोड़ना है, जैसे ये अपने को अपने ये कागज का टुकड़े को मोड़ दिया, ठीक है, फिर ऐसा मोड़ दिया, ऐसा मोड़ दिया, फिर अपन ने ऐसा मोड़ दिया, फिर अपन ने इसको ऐसा मोड़ दिया, ठीक है। अब इसके कितने चित्र बन गए, देखो वन, देखो वन वन बन गया, टू टू बन गया, थ्री थ्री और फोर फोर। अब चारों अपन गिन लेते हो, चौथा ये हुआ, ये तीसरा बन गया, फिर ये दूसरा बन गया, ये दूसरा और ये पहला बन गया, ये दूसरा और ये पहला, बस। मतलब मेरे कहने का मतलब दो दो का कहाँ पर लिखा हुआ है, देखो एक तो ये इधर लिखा, ये इधर लिखा, लेकिन मोड़ने पर क्या दोनों सेम हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से कागज के टुकड़े वालों को सवाल को सॉल्यूशन करना, हो सके तो एक पेज अपन परीक्षा में आप ले जा सकते हो। कागज के टुकड़े को मोड़ मोड़ के करना है, ये सेम टू सेम, देखो 30वें का ये सी हो जाएगा, अपन मोड़ेंगे, ये क्या आपके प्रैक्टिकली अपन कागज को मोड़ मोड़ के करेंगे तो इसका होगा। जैसे ये देखो क्या करना है कि एक कागज ले लेना है चार पोई का, फिर उसको इस प्रकार से मोड़ना है, मतलब इसको ऐसे मोड़ना है, ये मोड़ा, फिर उसके बाद उसको ऐसे मोड़ देना है, ऐसे टिलिक मोड़ देना है, तो ऐसे मोड़ मोड़ के ही इसमें सॉल्यूशन होगा, ठीक है। फिर ऐसा अपन बनाएंगे तो कितने मोड़ बन जाएंगे वो इसमें लिखना है। फिर देखो इसमें ऐसा मोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसको ऐसा मोड़ेंगे, फिर उसको ऐसा मोड़ेंगे, तो कौन सा चित्र बन जाएगा वो अपने को इसमें लिखना है। फिर इसमें देखो सबसे पहले ऊपर मोड़ना है, फिर उसके बाद अपने को इधर मोड़ना है, फिर अपने को ऐसे घूम के मोड़ना है, तो ये चित्र बन जाएगा। खाली एक कागज का टुकड़ा लेना है, उसको मोड़ मोड़ के देखना है, आपको ये क्वेश्चन जो है आराम से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 33वां। 33वें में क्या है कि कट आउट दिए गए हैं, कागज के टुकड़ों के कट आउट दिए गए हैं। देखो जैसे 1 2 3 4 ही कट आउट दिए, इनमें से अपने को एक आकृति बनानी है, तो ये सारे कट आउट जिस आकृति में सम्मिलित हो वो अपना राइट आंसर होगा। तो 1 2 3 4 ये सारे कट आउट देखो, देखो ये कट आउट है ये इधर हो जाएगा, ये कट आउट है ये इधर हो जाएगा, तो ये कट आउट इसमें ए में मिल रहा है तो ये राइट आंसर हो गया। 34वें की बात की जाए तो ये इसमें ए में मिल रहा है तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 35वें की बात की जाए तो ये जो कट आउट है वो इसमें बन रहे हैं ए में, तो इसका राइट आंसर ये ए हो जाएगा। 36वें की बात की जाए तो 36वें में ये सारे कट आउट इसमें सी वाले में दिखाई दे रहे हैं, तो ये सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है वैसे। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में।
भाग नंबर 10 के बारे में। भाग नंबर 10 है 37वां क्वेश्चन। देखो क्या करना है कि ये जो मतलब जो चित्र दिख रहा है ना, ये इसमें से कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, छिपलित चित्र। देखो यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर चित्रों में से उस चित्र को जिसमें प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित हो, छिपा यानी ये प्रश्न चित्र है, इसमें से कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, तो वो अपने को ढूंढना है, बस बात इतनी है। तो इसमें से ये जो छिपा हुआ है वो अपने को ढूंढना है। देखो ये इस प्रकार उल्टा भी छिपा हो सकता है और सीधा भी छिपा हो सकता है, ढूंढना आपको है। अब 38वें की बात की जाए तो 38वें में ये देखो छिपा हुआ है, देखो ये है सेम टू सेम ये छिपा हुआ है। देखो आपकी आंखों से देखो वन ट्रू 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 ये छिपा हुआ आपको दिखना है, दिख गया, ये राइट आंसर हो गया। फिर 39वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 39वें क्वेश्चन में ये छिपा हुआ है। देखो जैसे ये क्या मेरे हिसाब से 39वें क्वेश्चन में है ना, ये सी गलत है, सी गलत है, बी वाला राइट है 39वें क्वेश्चन में। क्यों बताऊँ? क्योंकि ये जो छिपा हुआ है ये यहाँ पे दिखे दे रहा है, जबकि यहाँ पे नहीं दिखे दे रहा है। यहाँ पे देखो कैसे दिखेगा मैं बताता हूँ। ये तीर तो बन गया यहाँ पे, ये देखो ये तीर यहाँ पे बन गया। फिर ये सीधी लाइन यहाँ पे बन गई। फिर ये कटआउट ये इधर यहाँ का हो गया, ये यहाँ का हो गया, फिर ये यहाँ का हो गया। हाँ तो ये यहाँ पे बने दिखे दे रहा है, जबकि यहाँ पे अपने को नहीं दिख रहा है। तो सी वाला गलत है, यहाँ पे बी वाला राइट है 39वें में। और यहाँ पर 40वें की बात की जाए साथियों, तो 40वें की अगर अपन बात करते हैं कहीं ना कहीं, एक मिनट। हाँ 40वें की बात की जाए तो 40वें में यहाँ पर ये जो मिला हुआ है वो अपने को कहाँ पर दिखेगा? देखो ये इसमें भी दिखेगा, बी वाले में। आप ढूंढ सकते हो अपने आंखों से भी। देखो मैं इसको गोल कर देता हूँ कैसे। देखो ये 40वें में देखो, सबसे पहले अपने को ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन मिल गई, इधर सीधी लाइन, ये सीधी लाइन मिल गई। उसके बाद अपने को ये कटआउट, फिर नीचे से कटआउट, ये कटआउट, ये बस ये बन गया 40वें में, ये अपने को मिल गया, सीधी बात है, ठीक है। अब बात की जाए अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है खंड नंबर 2, अंकगणित परीक्षण, ठीक है। अंकगणित परीक्षण का आप देख लीजिएगा। पहला है प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर है जिन्हें और क्रम दिया गया है, इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर चुने, अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर प्रतिगामी प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें, ठीक है। सुनिएगा पहला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या न्यूनतम है। तो यहाँ पर ये 8000 देखो, इकाई दही सैकड़ा हज़ार दस हज़ार 80,000 80, तो ये सबसे न्यूनतम है 41वां में। अब बात की जाए 42वां क्वेश्चन में, 7,707 को अंकों में लिखो, तो 7,707 को अपन अंकों में इस प्रकार से अपन लिखेंगे, ठीक है। अब बात की जाए निम्नलिखित में से अवरोही क्रम लिखो, अवरोही और आरोह। देखो हमेशा इस चीज़ को समझो, आरोह क्रम आरोही क्रम, मैं आज आपको समझा देता हूँ, उसके बाद नहीं समझूंगा तो आप समझ लेना आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम ठीक है, आज समझा रहा हूँ, उसके बाद नहीं समझूंगा तो कान खोल के सुन लीजिएगा। आरोह अवरोह, आरोह का मतलब बढ़ता क्रम, आरोह का मतलब क्या होता है ये देखो ऐसे मैं समझाता हूँ, आरोह का मतलब होता है बढ़ता क्रम, आरोह का क्या मतलब हो गया बढ़ता क्रम, और अवरोही का क्रम क्या हो गया घटता क्रम, अवरोही का क्रम क्या हो गया घटता क्रम, और आरोह का मतलब बढ़ता हुआ, और अवरोही का क्या हो गया घटता क्रम। अवरोही यानी घटता, लिख दो इधर घटता क्रम, ठीक है। आरोह आरोही क्रम यानी बढ़ता बढ़ता कदम बढ़ता, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ, जैसे मान लो आरोही क्रम आरोह क्रम, जैसे मान लो कोई संख्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसको अपने को आरोह क्रम में सेट करना है। मान लो मैं कोई भी संख्या लिख लेता हूँ, 7 9 2 1 3 1 2 3 4 5 6 2, ठीक है, ये लिख ली। अब इसमें अपने को वही संख्या मैं इधर भी लिख लेता हूँ, ठीक है, 8 7 9 2 1 3 और 2, ठीक है। अब अपने को आरोह क्रम में बैठाना है, आरोह क्रम यानी बढ़ता क्रम में बैठाना है। तो ये कैसे बैठेगा, सबसे पहले अपने को ये आरोह क्रम करना है तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ता क्रम यानी सबसे पहले छोटी संख्या लेनी पड़ेगी बढ़ते क्रम में, 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे। अब मैंने 2 बार क्यों लिखा, आपको समझाने के लिए, ठीक है, कि भाई सेम टू सेम संख्या आ जाए तो क्या करना है। तो 2 लिखा, फिर उसके वापस 2 लिखना है, वापस 2 लिखना है, फिर बढ़ता क्रम 3 लिखना है, फिर 3 के बाद 4 है, 5 है, 6 है, नहीं है, फिर 7 है, तो 7 अपने को लिखना है, फिर क्या है 8 है, फिर 8 है अपना, फिर क्या है 9 है, तो 9 है अपना, ये लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 संख्या लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, ठीक है। ये अपना आरोह क्रम हो गया, बढ़ता क्रम क्या हो गया, आरोह क्रम यानी बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम भी कह सकते हैं इसका, अपना ऐसा नाम आप पढ़ लो कि आरोह क्रम को अपन बढ़ता क्रम भी कह सकते हैं और अवरोही क्रम को घटता क्रम। चलो अपन इसका बराबर करते हैं, तो इसमें क्या घटता क्रम, तो सबसे पहले कौन सी संख्या लेंगे बड़ी, 9, घटता क्रम 9, फिर 8 8, फिर 7 7, फिर 6 5 है, 6 5 4 है, नहीं है, 6 5 4 नहीं है, तो फिर सीधा 3, फिर 2, फिर 2, फिर 1, ये हो गया घटता क्रम, क्या हो गया घटता क्रम,
कर्ता क्रम, ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। देखो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, बढ़ता क्रम आरोह क्रम है, जैसे ये संख्या दी 8, 7, 9, 2, 1, 3, 2, तो अपने को क्या करना है, आरोह क्रम में बढ़ता क्रम करना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या ढूंढनी है, छोटी लिख दी 1, फिर ये लिख लिया 2, फिर 2 लिख लिया, फिर अपने को 3 था 3 लिख लिया, फिर 7 था 7 लिख लिया, फिर 8 था 8 लिख लिया, फिर 9 था 9 लिख लिया, बढ़ता क्रम हो गया, ओके डन। फिर अवरोह क्रम में देखो, अवरोह क्रम में अपने को घटता क्रम करना है, तो सबसे बड़ी संख्या लेंगे 9, 8, 7, 6, 2, 2, 1, तो अपन समझो आरोह क्रम यानी बढ़ता क्रम, अवरोह क्रम यानी घटता क्रम, आरोह क्रम यानी बढ़ता क्रम, अवरोह क्रम यानी घटता क्रम, आरोह बढ़ता अवरोही घटता, समझ लो कि भाई आरोह को अपन बढ़ता क्रम भी कह सकते हैं, अवरोही को अपन घटता क्रम भी कह सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित संख्याओं में से सही अवरोही क्रम, अवरोही यानी अपने को घटता क्रम करना है, तो अब इसमें घटता क्रम में सबसे बड़ी संख्या अपने को पहले लेनी है, ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को करना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर ए वाला होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, इसको अपन और अपन बाद में देख लेंगे, अभी मैं कंफर्म नहीं, वैसे कंफर्म कर लेते हैं, देखो कौन सा होगा अपन कंफर्म कर लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है सबसे पहले, तो 432,600 नंबर सही अवरोही क्रम, मतलब इनमें से सही अवरोही क्रम कौन सा है, तो गण लेते हैं, 432,690, 432,609, 243,609, तो ये देखो पहला वाला नहीं है, पहला वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 432,609 हो गया, तो ये बढ़ता क्रम सॉरी घटता क्रम नहीं हुआ, ठीक है, घटता क्रम नहीं हुआ। अब देखो 432,690, 432,609, 342,609, ये भी नहीं है, दूसरा वाला भी नहीं है, दूसरा वाला भी नहीं है। अब तीसरे में देखो 432,609, 432,609, 432,603, 342,609, सी इज राइट, ये परफेक्ट घटता क्रम है, हाँ जी ये परफेक्ट घटता क्रम है, सी वाला राइट आंसर है घटता क्रम, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले 432,690 आया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जीरो कहाँ पे लग रहा है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर 432,609 आया, फिर 432,603 आया, फिर 342,609 आया, फिर 243,609 आया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। पर 21 से 50 के बीच कितनी समूह संख्याओं का समूह है जिनके पूर्णतया 2 गुणनखंड होते हैं, 5, 7, 6, 8, 21 से 50 के बीच में कितनी संख्याओं का समूह है जिनके पूर्णतया 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे मेरे हिसाब से 6 संख्या होगी, ठीक है। निम्न में से अवरोही क्रम का व्यंजक है, ये ए वाला है, चलो ये तो मैंने आपको समझ ही दिया। यदि सीता एक पुस्तक को 1/5 सुबह तथा 2/5 भाग शाम को पढ़ती है, तो अभी कितना भाग पढ़ना बचा होगा, 4/5 यहाँ पर उसका भाग बचा होगा, क्योंकि 3/5 तो इधर से हो जाता है, ठीक है, ये अभी आप खाली आंसर ढूंढ लो, आगे मैं वीडियो के लास्ट में इनको क्वेश्चनों को समझूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा टाइम कम है। स्थान में से चिन्ह आएगा तो रिक्त स्थान में ये आ जाएगा, फिर उसका है कि 1844 से गुणा करो, गुणनफल में 243 जोड़ दो, तो अब कुल संख्या 15 से भाग दो तो प्राप्त उत्तर क्या होगा, 60 होगा। फिर 49 क्वेश्चन के बाद सरल करने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है साथियों, वो अपने को ज्ञात करना है। 12 तथा 16 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, तो ये आप लोगों को ज्ञात करना है। फिर अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में, खंड नंबर 2 अंक गणित परीक्षण है, निम्नलिखित में से 30 के बराबर नहीं है, तो 30 के बराबर नहीं है जो अपने को संख्या करनी है, तो ये 30 के बराबर नहीं है, बाकी सारे 30 के बराबर हो जाते हैं, ठीक है, ये संख्या के बारे में। फिर एक मैंने क्या बोला, अभी खाली आंसर ढूंढ लो, आगे मैं आपको उत्तर बता दूंगा। एक खेत की लंबाई और चौड़ाई 5:2 का अनुपात है, यदि खेत की चौड़ाई 14 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल होगा ये 700 मीटर होगा, 540 किलोमीटर घंटे को मीटर सेकंड में परिवर्तित करने पर प्राप्त होगा, ठीक है, क्या प्राप्त होगा, ये होगा प्राप्त 4 महीने 3 सप्ताह तथा 15 दिनों में कितने दिन होते हैं, 4 दिन 156 दिन होते हैं, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अगला, नीचे दी गई आकृति में कोण है, तो यहाँ पर ये 3 कोण है, लगभग 1, 2, 3 कोण है, ठीक है। फिर अगला है 56वां क्वेश्चन, एक दुकानदार द्वारा एक फ्रिज का मूल्य 12,000 रुपये रखा गया है, जिस पर वह 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो लिखे हुए मूल्य पर 10% का कमीशन देता है, तो लाभ तो हानि ज्ञात करो, तो लगभग लाभ होगा 140 रुपये का। निम्न में से कौन सा कोण सबसे अधिक डिग्री, ये सब के मैं लास्ट में समझूंगा, अभी खाली प्रश्न और उत्तर समझा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आए तो आपको यही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको खाली पेपर में इसका राइट आंसर लिख देना है। निम्न में से कौन सा कोण सबसे अधिक डिग्री का माप होता है, अधिक कोण होता है, ठीक है, सरल कोण, समकोण, ये सब कम समकोण, देखो सबसे निम्न में से कौन सा कोण अधिक डिग्री माप का होता है, तो अधिक कोण जो है राइट है, क्योंकि सरल कोण 60 डिग्री का होगा, न्यून कोण 60 डिग्री का होगा, समकोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब एक 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का आयतकार टुकड़ा है, एक त्रिभुजाकार टुकड़ा 12 सेंटीमीटर आधा तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का इसमें से काटा जाए, तो शेष टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आयतकार खेत की लंबाई 150 मीटर और चौड़े 175 मीटर है, तो खेत के 3 चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी लिखिए। निम्नलिखित रेखा का अगर आप सोमवार से शनिवार तक उपस्थित छात्रों की संख्या को दर्शाइए, तो इसका 1800 मीटर हो जाएगा, और इसका देखते हैं, तो बुधवार तथा सोमवार को उपस्थित छात्रों को उपस्थित छात्रों से कितने हैं, बुधवार तथा शुक्रवार को उपस्थित छात्र मंगलवार को, ये इसका उत्तर मैं बताता जाता हूँ बच्चों मैं आपको, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखा ग्राफ में सोमवार से शनिवार तक उपस्थित छात्रों की संख्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बुधवार और शुक्रवार को उपस्थित छात्र मंगलवार को उपस्थित छात्र से कितने अधिक है। देखो अब देखो
बुधवार और शुक्रवार। सबसे पहले मंगलवार में छात्र कितने हैं, मंगलवार ढूंढो, ये मंगलवार, ठीक है। मंगलवार पे कितने हैं, 50 छात्र हैं, ठीक है। उसके बाद मंगलवार पे छात्र ढूंढ ले, बुधवार, बुधवार को कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं, ठीक है। यानी इधर बुधवार को लिख देता हूँ 40, मंगलवार को कितने हैं 50, इसके ऊपर ही लिख देते हैं ऐसे उत्तर, ठीक है, ऐसे ही उत्तर मिलेगा अपने को। फिर इतना है शुक्रवार को, शुक्रवार को कितने हैं, शुक्रवार को इतने हैं 25, शुक्रवार को कितने हैं 25, क्योंकि मतलब एक एक संख्या नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे देखेंगे तो अपने को कंफर्म पता चल जाएगा। तो अब देखो, बुधवार को 40 है, शुक्रवार को 25 है, 40 और 25 कितने हो गए, 40 और 25 65, हाँ 65, ठीक है। और उपस्थित छात्र, मंगलवार को उपस्थित छात्रों से कितने अधिक है, 15 अधिक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये डी, ये राइट आंसर 2 मिनट में अपन ने कर लिया, 15। कैसे देखो, अपने को क्या बुधवार और शुक्रवार के जोड़ देना है, कैसे जोड़ते हैं, देखो मैं इधर जोड़ देता हूँ, ठीक है, 40 और 25 प्लस करना है ना अपने को, ये 5 का 5 हो जाएगा, 4 और 2, ये 4 है और ये 2, कितना हो गया 6, टोटल 65, ठीक है। और ये मंगलवार को कितने 50 है, तो अपने को क्या करना है कि इसमें से माइनस करना है, 65 में से 50 माइनस कर लो, तो ये 5 हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1, तो ये राइट आंसर हो गया 15, 15 वाला बिल्कुल राइट आंसर है, है ना। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे भाई। देखो ये दोनों को जोड़ना है भाई, मंगलवार को उपस्थित छात्र कितने अधिक है, कितने ज़्यादा है, तो अपने को इसमें से माइनस कर देना है, तो अपने को मिल जाएगा मामला, और क्या है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन है भाषा परीक्षण खंड 3, इसमें अपने को पूरे में से पूरे नंबर चाहिए, 25 में से 25 नंबर चाहिए। मैं बोलूँगा कि अगर आप गणित में कुछ 25 में से 20 भी लाओगे ना तो चल जाएगा मेरे लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भाषा परीक्षण में मेरे प्यारे बच्चों 25 में से 25 मुझे आपके पूरे में से पूरे नंबर चाहिए, 100% नंबर चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मेरे को मानसिक योग्यता में भी 100% चाहिए, लेकिन भाषा परीक्षण और मानसिक योग्यता कंप्लीट चाहिए मुझे। तो चलो अपन पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है, चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। इस खंड में 4 अनुच्छेद है, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न है, प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़े और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनके क्रम संख्या है, इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है, सही उत्तर चुने, अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट पर उत्तर करें। अनुच्छेद नंबर 1, पहला अनुच्छेद पढ़ते हैं, जन्माष्टमी हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, जन्माष्टमी अभी भी गया है, बहुत अच्छा त्यौहार है, यह भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है, इसे गोकुल अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, यह हर साल भाद्रपद महीने के 8वें दिन आता है, यानी चेत वैसाख आगन हावन भादो आवोस काते आगन पो मा फागण, चेत अषाढ़ हावन भादो यानी चौथे महीने में, यानी लगभग देख लेते 6ठे महीने में आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त के आसपास आता है ये कृष्ण भगवान का त्यौहार, ठीक है। चलो अभी अपना अग्रत करते हैं, इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार है, भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी है, भगवान कृष्ण अपने मस्तक पर मोर पंख धारण करते हुए, इस बार जो है सितंबर में आया था, सितंबर 2024 को ये त्यौहार, भगवान कृष्ण मथुरा के दुष्ट राजा कंस का वध किया था। पहला आप सुनिए, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के कौन से अवतार है, 8वां, तो इधर अपन लिख देते हैं 8वां अवतार है, ठीक है साथियों। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 8वां लिख दिया, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर जन्माष्टमी मनाई जाती है, किसके जन्मोत्सव पर, कृष्ण भगवान के, तो ये मैंने कृष्ण भगवान लिख लिया, इधर भगवान भी लिख देता हूँ, भगवान, ठीक है, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी किस महीने में मनाई जाती है, भाद्रपद के महीने में मनाई जाती है। मथुरा का राजा कौन था, कंस, मथुरा का राजा कौन था, कंस था। बुरे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अच्छाई, क्या हो जाएगा, अच्छे ही हो जाएगा, बुरे का विलोम शब्द अच्छे ही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है अनुच्छेद नंबर 2, अच्छे से पढ़िएगा सुनिएगा, रुपया हमारा देश भारत की राष्ट्र मुद्रा है, रुपये का नियामक और जारीकर्ता रिजर्व बैंक है, अलग अलग देशों की मुद्राएं भी अलग अलग होती है, हमारे देश भारत में रुपया 2 रूपों में मिलता है, रुपया सिक्कों और नोटों में होता है, सिक्कों की ढलाई और नोटों की छपाई देश के भीतर ही होती है, कितने रुपये के सिक्के और कितने नोट छापने का आदेश केवल रिजर्व बैंक ही दे सकता है, नोट सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही छपते हैं, भारत में 4 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है, नासिक, मैसूर, देवास और सलहानी, नासिक, मैसूर, देवास और सलहानी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला, रुपये का नियामक और जारीकर्ता क्या है, रिजर्व बैंक है। नोटों की छपाई कहाँ होती है, प्रिंटिंग प्रेस में, रुपए सिक्के और नोट के रूप में होते हैं, ठीक है, सिक्के और नोट के रूप में, तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अपने को देश की मुद्रा के बारे में बात की जा रही है और ये अपने को कृष्ण भगवान जन्माष्टमी के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले आप अनुच्छेद पढ़ो तो समझो कि भाई ये किस टॉपिक पे है, ये किस चीज़ के बारे में ये अनुच्छेद है, उसके बारे में उसके बाद अपने को आगे स्टार्ट करना है, आगे मामला जो है चालू करना है, ठीक है ना। हाँ, ये अपना मुद्रा के बारे में बात हो गई और ये इसके बारे में हो गई। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में कोई सरकारी प्रेस नहीं है, अलवर में जो है कोई सरकारी प्रेस नहीं है। ढलाई व छपाई का अर्थ क्या है, ढलाई व छपाई का अर्थ क्या होता है,
तो अपने को क्या करना है इसमें ढलाई और छपाई का अर्थ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोट छापना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? नोट छापना जो है इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। अनुच्छेद नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वे कांग्रेस में शामिल होने वाले बिहार के प्रमुख नेताओं में से थे सुनोत्कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकालत में महात्मा गांधी के बड़े समर्थक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1931 में सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महात्मा गांधी को लिए जेल जाना पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसके साथ जेल जाना पड़ा? महात्मा गांधी के साथ उनको जेल जाना पड़ा। देखो सबसे पहले ये अनुच्छेद किसके बारे में? राजेंद्र प्रसाद के बारे में। और राजेंद्र प्रसाद हु इज द राजेंद्र प्रसाद? भारत के पहले राष्ट्रपति। अब श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में अगर वो अनुच्छेद था तो कृष्ण जी कौन थे उससे उसके बाद अपने को स्टार्ट करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। उनका जन्म किस वर्ष में हुआ? 1884 में हुआ था। वे बिहार के बिहार राष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। किसी विचार कार्रवाई या विश्वास को सार्वजनिक समर्थन देना आंदोलन हो गया। फिर अगला है अनुच्छेद नंबर 4, जाकिर हुसैन खान का जन्म 8 फरवरी 1897 को मध्य भारत के हैदराबाद राज्य में हुआ था। वे एक भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 13 मई 1967 से 3 मई 1979 को अपनी मृत्यु तक भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पद पर रहते हुए मरने वाले पहले राष्ट्रपति। उन्हें 1963 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल और 1962 से 1967 तक भारत को राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ये जाकिर हुसैन के बारे में ये जो है किया गया। और जाकिर हुसैन क्या थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, और पहले उपराष्ट्रपति भी थे, ठीक है। फिर बात करते हैं अगला, 1962 से 1967 तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 1957 से 1962 तक वे बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है। जाकिर हुसैन खान का जन्म कहाँ हुआ? 1897 में हुआ। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया? 1963 में सम्मानित किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का अध्ययन करता था वह क्या कहलाता है? अर्थशास्त्री कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्री कहलाता है। तो इस प्रकार से मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन का सही से और सही तरीके से हमने आपको जवाब देने की कोशिश की है। बहुत ही शानदार ये पेपर हमने आप सभी तक पहुँचाया है। जबरदस्त पेपर, मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए हुआ होगा। नवोदय विद्यालय का बहुत ही शानदार बेहतरीन पेपर है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से और बेहतरीन तरीके से मैंने आपको जो है ये समझाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो जो 4 अनुच्छेद थे, सबसे पहला अनुच्छेद था श्री कृष्ण भगवान के बारे में, ठीक है, कि भाई जन्माष्टमी हिंदुओं का त्यौहार है ये सब, ठीक है। उसके बाद दूसरा था रिजर्व बैंक भारत के बारे में, और फिर तीसरा जो था वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे उनके बारे में, फिर चौथा जो था वो जाकिर हुसैन के बारे में थे। तो इस अनुच्छेद को आप समझने की कोशिश करो साथियों। ये जो पेपर है साथियों वो 18 जनवरी को आने वाला है, 18 जनवरी, ठीक है, 18 जनवरी 2025 के दिन। आपको अगर ये पेपर चाहिए, रियलिस्टिक पेपर, पेपर का पीडीएफ, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। 6376967273 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा, ठीक है, 6376967273, ठीक है। 18 जनवरी 2025 का ये रियलिस्टिक पेपर है, 2 घंटे का ये पेपर होगा, पूरा का पूरा पेपर यही आएगा, एक भी क्वेश्चन जो है इसमें से नहीं आ जाने वाला है। और ये 100 नंबर का ये पेपर रहने वाला है, 100 मार्क्स का। किसका रहेगा? 100 मार्क्स का, ठीक है, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। ओके गाइस, पूरा ये रियलिस्टिक पेपर में नाम आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये 2 लाख में हमने पेपर खरीदा लेकिन आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, तो वीडियो को दबा के शेयर करें, मज़े करें, पूरे पेपर को अच्छे से पढ़े। शानदार जो पेपर था, मैंने पूरा पेपर आपको अच्छे से समझा दिया, सॉल्यूशन करके बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। अगले जो वीडियो आएगा आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगले, ये वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, कोई लगभग 41 मिनट का, तो अगला जो वीडियो होगा उसमें अपन पूरा गणित के पेपर को भी तगड़े तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यही पेपर है 18 जनवरी 2025 का। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। दबा के शेयर कर दो साथियों वीडियो को।